नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। भारत बायोटेक ने कोरोना की अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब राज्यों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाए थे। देश में वैक्सीन के अलग अलग रेट पर काफी विवाद हो रहा था। कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन के रेट काफी ज्यादा रखे गए थे। कोवैक्सीन ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपए, राज्यों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपए रखे थे। अब राज्यों के दाम में कटौती की गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ कोरोना सहित अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ये बढ़ते आंकड़े धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। इसी के चलते कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। जिन लोगों द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही, उन्हें समझाइश के साथ साथ सख्ती करते हुए चालान और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 17,269 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इनमें श्रीगंगानगर जिले में 210 और हनुमानगढ़ में 330 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। सिरोही जिले में पुलिस और चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 9 फर्जी चिकित्सकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां व उपकरण जब्त किए हैं। फर्जी चिकित्सक विक्टर मंडल को आदिवासी क्षेत्र पिपेला से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले भर में अलग अलग कार्रवाइयां कर 9 झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रोहिड़ा, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही, पालड़ी एंड बरलूट थाना क्षेत्र में कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसीबी मिनिस्टर के नाते सीएम गहलोत को एक सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार इस गंभीर कोरोना संकट के दौरान एसीबी की छोटी मोटी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। यह सच है कि बीएल सोनी, दिनेश एमन की टीम ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त काम किया है, लेकिन आज प्रदेश के हालात सामान्य नहीं है। चारों तरफ मेडिकल इमरजेंसी का माहौल है और हर हॉस्पिटल और गली मोहल्ले में कोरोना मरीजों की वेदना पुकार सुनाई देती है। ऐसे में एसीबी की छोटी मोटी कार्रवाइयों की खबरें आंखों में चुभती हैं। इसलिए आज वक्त का एक तकाजा है कि एसीबी की पूरी टीमों को कुछ दिनों के लिए कोरोना दवाइयों की कालाबाजारी की धरपकड़ के काम में लगाया जाए। पुलिस के साथ साथ अब एसीबी की फौज भी मैदान में उतरे और एसीबी स्टाइल में मौके पर ही कालाबाजारियों को धरपड़ हो। अब देखना होगा कि क्या गहलोत इस सलाह पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। जोधपुर जिले के तिवरी थाना क्षेत्र में एसीबी नाम पर महिला के साथ लाखों की ठगी होने की जानकारी सामने आई है। लॉटरी के नाम पर 37 वर्षीय महिला ने शातिर ने 3,95,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मथानिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। टोंक जिले के पीपलू में पिता के निधन पर बेटी को पगड़ी बांधने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार कठमाणा के माधोलाल जैन का 27 अप्रैल को निधन हो गया था। मृतक के 4 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी वर्षा जैन का पगड़ी का दस्तूर किया गया। ऐसे मामले में पुत्र नहीं होने पर दत्तक पुत्र, भतीजे या अन्य किसी नजदीकी परिजन को पगड़ी बंधाई जाती है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में फिर 2 दर्जन ग्राहक बाहर निकले। शोरूम संचालक शटर बंद कर दुकानदारी कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान निगरानी दल की कार्यशैली चर्चाओं में आई है। निगरानी दल के सदस्य दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। बाड़ी की तरह सभी गैर अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है। नमस्कार, कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से, आपका छोटा भाई, आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाए और बार बार अपने हाथों को धोए, ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.